ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हम लोग आज करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ये बीएससी फर्स्ट ईयर, सॉरी बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है. इसमें हम लोगों ने अपनी जो रियल क्लासेस थी उसमें कर लिया था प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन्स की, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग कर रहे थे. तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा जहाँ पर हमने छोड़ा था. केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन्स में, तो इनकी जो करैक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस हैं, जो करैक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की कार्बोनिल ग्रुप की, वो हैं, तो मैं लाइट ऑन कर दूं, भूल गया. वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. तो मैं आज कोशिश करूंगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम लोग खत्म कर लें. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस. तो इसमें जो हम लोग कर चुके हैं, मैं इसका कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हम लोगों ने कर लिया था. अब हम लोग करेंगे इनके एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. अगर मैं इसको बेसिकली डिवाइड करूँ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस लीडिंग टू formation of bond between carbonyl carbon and atom of other element like nitrogen हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सल्फर. ये मतलब कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड हो सकता है, कार्बन सल्फर के बीच बॉन्ड हो सकता है. एक एग्जांपल से बता दूं, मैं ये करवा चुका हूँ, बस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, या अमोनिया हो सकता है. इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लाइक सी डबल बॉन्ड एनजी. तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड एटम ऑफ अदर एलिमेंट. तो ये बने थे प्रोडक्ट. ये मैं सारा आप लोगों को एक्सप्लेन करवा चुका हूँ. अमोनिया के डेरिवेटिव्स थे. इसमें तीन रिएक्शंस हमने बताई थी. पहला था एडिशन ऑफ फर्स्ट, लेट इट बी फर्स्ट वन, दिस इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स. इसके अलावा था एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइट, और तीसरा था एडिशन ऑफ एल्कोहल. ये तीन रिएक्शंस थी जो हम लोगों ने कर ली थी. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन. एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये एडिशन नहीं लगता है. एडिशन रिएक्शंस वो होती हैं, एक बार छोटा आइडिया देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस से भी पहले एडिशन रिएक्शंस वो होती हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे से रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं. मतलब रिएक्टेंट है और एक सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट वो होता है विच प्रोवाइड कार्बन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर हम लोग कहें जो कार्बन प्रोवाइड करेगा वो सबस्ट्रेट, और एक होगा रिएजेंट. रिएजेंट उस पर अटैक करेगा और उसमें ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो वो है एडिशन रिएक्शन. अगर ये रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो इज न्यूक्लियस, फाइल इज लवर. न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, फाइल इज लवर. तो पॉजिटिव चार्ज लवर, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा? नेगेटिवली चार्ज स्पेसेस. तो ये नेगेटिवली चार्ज जो रिएजेंट्स हैं वो अटैक करके एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अगर कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर में से कोई भी बॉन्ड बनाते हैं,
तो एक तो टाइप है ये, ओके, इट विल बिकम सिंपल. अगर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन और अदर देन दी कार्बन, अगर कोई एलिमेंट से वो बॉन्ड बनाता है तो पहले टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं. ये मैं पूरा का पूरा टॉपिक बनवा चुका हूँ. इसमें मैं इफ़ेक्ट ऑफ पीएच भी बता चुका हूँ कि आपको पीएच जो है वो कंट्रोल रखना है. क्यों कंट्रोल रखना है? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन में अगर मैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम डाल दूँ तो एसिड जो है वो क्या करेगा, वो इसको एक्टिवेट करेगा. और साथ में क्योंकि ये भी तो बेस है, इसके पास लोन पेयर है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक कर दिया तो ये क्या कर सकता है, ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है. ये इसके साथ कंबाइन होके बना लेगा तो न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बचेगा. ये न्यूक्लियोफाइल है, या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो न्यूक्लियोफाइल है. तो ये इससे भी रिएक्ट कर सकता है, ये इससे भी रिएक्ट कर सकता है. अगर इसने इससे रिएक्ट कर लिया तो न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा. इसीलिए पीएच को कंट्रोल रखना पड़ेगा. तो ये मैं सारी चीज़ें हैं. एडिशन ऑफ आरओएच ये क्या करेगा एल्कोहल से, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एसीटल. पहले हेमी एसीटल बनाएगा फिर एसीटल बनाएगा. अगर कीटोन है तो कीटल बोल सकते हैं इसको. तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूँ, दैट इज़ दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल कार्बन एंड कार्बन एटम, एटम ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट के कार्बन एटम से बॉन्ड बनाएगा. मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा. वैसे जैसे पहले क्या हुआ था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन और सल्फर के बीच में. लेकिन इन रिएक्शंस में है वही चीज़. आप चाहें तो इसको एक ही बार में पढ़ सकते हैं, पर आप लोग अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हैं, करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया. तो इसलिए आप लोगों को ये अच्छे से जानना है. तो कार्बोनिल कार्बन, कार्बन के बीच में और कार्बन एटम के बीच में. तो सम एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ सच रिएक्शंस आर एज फॉलोज. तो लेट अस स्टार्ट. तो पहला एग्जाम्पल है, ए से स्टार्ट कर लेते हैं. यू कैन ऑल्सो मेक इट 1, 2, 3. तो ए से है एडिशन ऑफ एच सी एन, एडिशन ऑफ एच सी एन, हाइड्रोजन साइनाइड. मैं थोड़ा इस तरीके से पढ़ाऊँ आप लोगों को कि आसान हो जाए. मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा ताकि टू द पॉइंट बात करेंगे, अच्छे से समझ आएगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि क्रेमिंग पार्ट ज़्यादा है, कंसेप्ट पार्ट मैकेनिज्म पे बेस्ड है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा मैकेनिज्म सबके बता दूँ. हालांकि सिलेबस में ज़्यादातर के मैकेनिज्म इंक्लूडेड नहीं है, बट यू मस्ट नो क्या होता है. अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो मैकेनिज्म ज़रूर आना चाहिए. तो दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसमें बनेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ सयानोहाइड्रिन, सयानोहाइड्रिन या फिर हाइड्रोक्सिल नाइट्राइल भी आप लोग लिख सकते हैं. इसमें क्या होगा, कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद एच सी एन टू प्रोड्यूस सयानोहाइड्रिन, टू प्रोड्यूस सयानोहाइड्रिन. तो यू शुड नो इट कि सयानोहाइड्रिन क्या है, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें, बड़ा आसान है समझना. याद रहे एच सी एन इज़ प्रिपेयर्ड इन सी टू. यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन सी टू. इन सी टू मीन्स होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन. इसको डायरेक्ट नहीं यूज़ करते हैं एच सी एन को, हम लोग बनाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन by using NaCN or KCN and H2O.
NaCN, KCN और H2O को यूज करते हुए हम लोग इसको बनाते हैं. ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो यहां से समझते हैं इस चीज को कि ये हो कैसे रहा है. ओके, एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस रिएक्शन के ड्यूरिंग दिस रिएक्शन pH is to be maintained to 10. pH 10 maintain करके रखनी है. ये अगर हम लोग pH change कर देते हैं, मतलब basic medium हो गया, तो basic medium ही हमें इसको रखना है. आप लोग समझ लें, मैं एक चीज इसमें बताना मुझे ध्यान नहीं रहा कि क्या करेंगे. अगर आप यहां से देखें NaCN, KCN, H2O डाल दिया, तो क्या करेगा ये, अगर हम लोग ऐसे समझ लो स्टूडेंट्स सभी, NaCN plus H2O हमने डाला, तो ये क्या बना लेगा, NaOH plus HCN. यू नो वेरी वेल कि NaOH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन HCN विच इज एन एसिड. एसिड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बट बेस हमारा स्ट्रांग है, तो पीएच तो ये बहुत ज्यादा लेके जाएगा, तो इसकी पीएच 10 रखनी है. अब पीएच इस एनएच की वजह से